सिंहासनमा अध्यक्ष सभ्य तक मिट्टी जिला मंडी। आज हम माननीय मुख्यमंत्री से प्रीति हाउस में मिले। पटर के ग्राउंड में जहाँ हमारे देवी देवता बैठते हैं मेले के दौरान, वो ग्राउंड जो है वो कॉलेज का कम्प्लेक्स है। उसमें हमेशा हलचल चली रहती है। कभी तो हमारे उच्च न्यायालय से आदेश आ जाते हैं कि शिक्षा स्थान में कोई भी ऐसे संस्कृत कार्य न हो। दूसरा, आजकल जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का काम चला हुआ है, तो वहाँ ग्राउंड जो है हमारा डे बाई डे खत्म हो रहा है। तो देवतों को बैठने के लिए बड़ी समस्या हो जाएंगी भविष्य के लिए, तो इस बारे हम चिंतित हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री को उन्होंने प्रस्ताव दिया कि कोई परमानेंट स्थान चिंत किया जाए ताकि बार बार हलचल ना हो सके। इस समय जो देवी देवता वहाँ से जो डिस्टर्ब हुए उनको वहीं बैठा दिया जाएगा, उसकी जगह देख ली गई है। दूसरी बात, ये जो अखबार में फेसबुक के माध्यम से चला हुआ है या अखबार में जो आया हुआ है कि देवते जो है बस स्टैंड के छत पर बिठा दिए जाएंगे, कमरों में बिठा देंगे, ये बिल्कुल गलत है। अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ है। अभी इसका निर्णय के बारे में अभी बैठकें होगी, उप समिति की बैठक होगी, उप समिति बैठकों में ये निर्णय किए जाएंगे कि देवता कहाँ बिठा जाए। अभी चर्चा चली आ रही है। अभी कोई ऐसा आदेश नहीं है, कोई ऐसा निर्णय नहीं, ना कोई ऐसा आदेश दिया है कि देवते वह बस स्टैंड के ऊपर बिठा जाएंगे। दूसरी बात, दूसरी डिमांड थी हमारी कि हमारे कुछ एक देव देवता सरकारी भूमि पर बैठे हुए और उनको वहाँ जरा कार्यालयों को बड़ी दिक्कतें महसूस हो रही है, क्योंकि आजकल जनता जो श्रद्धालुगण है बहुत मात्रा में उन मंदिरों में आ रहे हैं और ना ही हमारे पास वहाँ शौचालय है, ना ही हमारे पास कोई सराय है, क्योंकि हम जगह ना होने के कारण हम इन चीज़ों को नहीं बना सकते हैं। तो कार्यालयों ने मांग रखी है कि ये भवन जो है, ये जो देवताओं का जो हम बैठे हुए, इस भूमि को देवता के नाम कर दिया जाए। चौथी डिमांड थी हमारी कि सरकार द्वारा कभी MLA फंड से, कभी MP फंड से, कभी अपने स्वयं CM की ऑफिस से पैसा आता है सराय इत्यादि निर्माण के लिए, तो वहाँ जो है डायरेक्ट पैसा वो पंचायतों को जाता है। हम चाहते हैं कि वो पैसा जो है देव समिति की कमेटी को मिल जाए, ताकि कमेटियाँ जो है उस कार्य को कर सकें। कमेटियाँ रजिस्टर्ड है और ये रेवेन्यू कार्ड में भी एंटर है, कार्डधारकों के नाम में एंटर है। अगर वो पैसा वहाँ मिलता है, जैसे हमारा 1 लाख रुपये मिलता है, तो हम उसको 2 लाख का काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर आते हैं जो योगदान देते हैं साथ, तो 1 लाख का काम हमारा 4 लाख के बराबर हो जाता है। इसलिए कुल्लू में एक कार्यक्रम रखते हैं, उसमें उनका वो भी बांटेंगे। श्री राधा कृष्ण मंदिर कोटला कलां जिला ऊना में परम पूजनीय राष्ट्रीय संत बाबा बालजी महाराज के सानिध्य में विराट वार्षिक महाकुंभ, श्रीमद् भागवत कथा, गीता प्रवचन, संत सम्मेलन एवं भजन संकीर्तन 1 से 13 फरवरी सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक करवाया जा रहा है। वहीं भव्य शोभा यात्रा का आयोजन 4 फरवरी को किया जाएगा। श्री भक्तमाल कथा श्री गौरदास जी महाराज द्वारा 1 से 6 फरवरी तक प्रातः 11 बजे से, वहीं श्री हाउ बिलाव जी महाराज वृंदावन वाले 6 फरवरी को प्रातः 11 बजे भजन संकीर्तन करेंगे। गीता प्रवचन श्री ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा 7 से 9 फरवरी तक प्रातः 11 बजे, श्रीमद् भागवत कथा स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी द्वारा 7 से 13 फरवरी दोपहर 12 बजे से शुरू की जाएगी। आप सभी इस विराट वार्षिक महाकुंभ में सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम का आयोजन कोविड नियमों के तहत किया जा रहा है।